आइए दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन का नियम पे चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का नियम को हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हम लोगों ने ये पाया था कि जो प्रकाश है वो किसी भी सतह से टकराकर जब वापस लौटती है तो उसको हम लोग परावर्तन का नियम कह रहे थे। लेकिन एक ऐसी भी घटना होती है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरी तरफ निकल जाती है, जिसे हम लोग अपवर्तन के नियम से जानते हैं, जिसमें कुछ भौतिक क्रियाएं संभव हैं। तो देखें आज हम कि आखिर वो क्या क्रियाएं हैं जो कि पारदर्शी सतहों से होती हैं। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज जनरली नोन एज स्नेल्स लॉ गवर्न्स द बिहेव ऑफ लाइट रेज एज दे प्रोपोगेट अक्रॉस ए शार्प इंटरफेस बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। कहने का मतलब है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिसे कि स्नेल का नियम के नाम से जाना जाता है, जो किन्हीं दो माध्यमों जो कि पारदर्शी होना चाहिए के बीच चलने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले बदलाव को बताता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ देखिए मीडिया जो है वो प्लूरल है मीडियम का, और मीडियम वो है जो कि दो पारदर्शी सतह हो सकते हैं या वस्तुएं हो सकती है, जैसे कि हवा, जैसे कि कांच, जैसे कि पानी, जैसे कि तेल। तेल पारदर्शी तो नहीं होता, लेकिन पूरी तरीके से अपारदर्शी भी नहीं होता। तो इस प्रकार से जब दो माध्यमों के बीच प्रकाश गमन करता है, प्रोपोगेट करता है, तो उस कंडीशन में वो उसमें कुछ बदलाव उत्पन्न होते हैं, और इसी बदलाव को हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो देखा जाए क्या होता है। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला देखिए, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब है कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, जो किरण आती है, जो लाइट रे आती है, परावर्तित किरण जो कि वह दूसरी तरफ निकलती है, और अभिलंब अर्थात नॉर्मल, तीनों किन्हीं दो माध्यमों के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिसमें दोनों माध्यम एक तल पर स्थित होते हैं। अर्थात जहाँ पर दोनों माध्यम आकर मिलते हैं उस प्लेन पर ही किसी पॉइंट पर यह तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, आकर के मिलते हैं। दूसरा जो नियम है प्रकाश का अपवर्तन का, वो यह कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अर्थात द्वितीय नियम के अनुसार जो आपतित किरण है उसके कारण बने कोण की जया तथा अपवर्तित किरण के कारण बने कोण की जया, दोनों का जो अनुपात है वो किसी एक प्रकार के प्रकाश के रंग अथवा किन्हीं दो माध्यमों के बीच हमेशा एक समान होगी। मतलब यदि हम हवा और कांच को ले लें और प्रैक्टिकल करें, हम किसी भी जगह पर, भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं फिर भी, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो लाइट हम ले रहे हैं वो वही लाइट लें, अर्थात उसी वस्तु से हमें वो लाइट प्राप्त करनी है, जो सोर्स होगा वो हमारा सेम होगा। तो फिर जो वैल्यू आएगा दोनों के साइन का, वह वैल्यू हमेशा सिमिलर होगा, इसी को कहेंगे कॉन्स्टेंट, और इसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ जरा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस चित्र में, इस चित्र को गौर से देखा जाए, ये देखिए एक्स वाई जो है एक सरफेस है,
और इस सरफेस पर एक इंसिडेंट रे आती है, ये ए ओ, ए ओ जो है इंसिडेंट रे है, जिसको कि जाना चाहिए था ओ सी से, जिस पर कि एक नॉर्मल है एन एन प्राइम, और इसके कारण इंसिडेंट रे के कारण और नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है आई, तो जाना चाहिए था ओसी से, परंतु वह मुड़ जाती है थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ, और इसके कारण नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे आर कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, वह मीडिया जिसका कि डेंसिटी एक दूसरे के मुकाबले कम होता है उसे हम लोग रेयर कहते हैं, जिसे हिंदी में विरल कहते हैं, और जिसका डेंसिटी अधिक होगा उसे डेंसर कहेंगे, इन कंपैरेटिवली, मतलब दोनों में कंपैरिजन करके। तो यहाँ मैंने रेयर को सादा छोड़ दिया है और जबकि डेंसर को मैंने डॉट डॉट से बनाया है ताकि डिफरेंसेस पता कर सकें। तो सेकेंड फर्स्ट लॉ के अनुसार से देखिए, ये जो है इंसिडेंट रे, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है नॉर्मल, ये इसी प्लेन के एक बिंदु पे मिल रहे हैं। दूसरे लॉ के अनुसार से ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के कारण, जिसे साइन आई कह रहे हैं, और ये जो एंगल आर है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के कारण, साइन आर है, ये दोनों का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसे हम लोग म्यू से लिखते हैं, कभी कभी किसी किसी बुक में एन से भी रिप्रेजेंट किया गया है, और इसी एन या म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक के नाम से भी जाना जाता है। अब यह जो अपवर्तनांक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब इससे के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि गिवेन मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 है डायमंड का, जिसके कारण वो लाइट जो है उसी डायमंड में ही फंस कर रह जाती है, जिसके फलस्वरूप वो निकलती नहीं है, और या फिर उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि जब तक लाइट दूसरी प्रवेश कर रही होती तब तक वो पहली वाली लाइट उसी में फंसी रह जाती है। इस कारण से डायमंड ग्लो करता है। इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका क्या उपयोग है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जिसमें कि तारों का टिमटिमाना या अन्य प्रकार की घटनाएँ भी हम लोग इसको महसूस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखते रहें। हाँ, इसके पहले यदि आप परावर्तन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो परावर्तन के लिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर से देखें, जिसका मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो ध्यान दें दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।